जय गुरु जी। संगत जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मैं शुरू से बचपन से ही शिव जी जी की बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनकी तरफ बहुत डिवोटी थी, बहुत ज़्यादा मानती थी, क्रेजीनेस वाला मानती थी उन्हें। और घर में क्या, सारे ख़ानदान को पता था कि ये शिव भक्त है, तो मुझे, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका, सपोर्ट किया था मुझे हमेशा इस बात पर। तो मेरी जर्नी शिवजी जी के साथ बचपन से स्टार्ट हो गई थी, और इतने चमत्कार बचपन में भी सेम हुए हैं जितने गुरुजी ने भी दिखाए हैं मुझे। शिवजी जी मेरे लिए उतने ही एकदम प्रत्यक्ष रूप से आ जाते थे सामने मेरे। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि अगर 1000 कमल विष्णु जी ने चढ़ाए थे शिवजी जी को, और शिवजी जी प्रकट हो गए थे एंड में, उन्होंने अपनी एक आँख अर्पित कर दी थी। तो ये स्टोरी सुन के बचपना था, मुझे लगता था कि शायद मैं भी 1000 फूल चढ़ा दूंगी तो मेरे आगे भी शिव जी जी प्रकट हो जाएंगे। ऐसी थिंकिंग लेकर या मन का दृढ़ विश्वास था, ये कहूँगी, लेकर मैंने ये 1000 फूल खरीद के लाई, सुबह से शाम धोए सुखाए, ऐसे में कितने फूल काले पड़ गए, टूट गए, और 1000 में से तो कितने ही कम हो गए। खैर एनीवेज, जब मैंने शाम को वो पूजा की अपनी, तो एक एक फूल मैंने अर्पित करके एंड हो गया। जब सारे फूल अर्पित हो गए और शिव जी जी तो प्रकट हुए ही नहीं, तो मैं इस बात पे बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। अंदर से आवाज़ आई कि सामने देख ज़रा, तो सामने जैसे ही मैंने देखा तो शिव जी जी का एक आउटलैंडिंग, एक ट्रांसपेरेंट आकार पूरा प्रकट हो गया मंदिर में मेरे। और वो मेरे लिए अनबिलीवेबल बात थी, और इतने प्रत्यक्ष रूप से शिव जी जी वहाँ विराजमान थे या मेरी लाइफ में थे। बहुत सारे सत्संग हैं इसके भी, कि वो मुझे हर एक अच्छी बुरी चीज़ों के लिए सामने सामने गाइडेंस देते थे। खैर, इतने अच्छे से विराजमान होने के बाद भी एक बहुत सारे लाइफ में ऐसे लोग एंटर हो गए फैमिली में से भी, कि मुझे मंदिर को बंद करना है। मीन्स काफ़ी बड़ा स्पेस था जो मंदिर के लिए स्टक हो रखा था उनके अकॉर्डिंग, तो मैंने पोस्टर्स लगा रखे थे, तो वो मैंने रोते हुए सारे पोस्टर्स फाड़े और अपने पास रख लिए। और फिर मैं कहा कब तक संभालती उन पोस्टर्स को, तो मैंने वो जमुना नदी में बहा दिए। इस बात पे शिव जी जी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और एक बार मेरे सपने में आए, कम से कम आई थिंक 30-50 माले की जो बिल्डिंग होती है, इतने बड़े शिव जी जी हैं, और इतना त्रिशूल उन्होंने मुझे मारा, जो 3 ट्रायंगल से होते हैं ना, तीर कोने होते हैं त्रिशूल के, उसमें से 2 के बीच में मैं आ गई। मीन्स त्रिशूल मेरे दोनों के बीच में गया, लेकिन वो त्रिशूल उनका बेशक मुझे लगा नहीं, लेकिन बीच में आने से भी मेरी लाइफ पूरी पलट गई। उनका जो क्रोध था मुझ पर कि मैं तो विराजमान हो गया था तेरे उधर मंदिर में, तो तूने पोस्टर भी जल परवाह कर दिए। और मैंने दूसरे सेंस में किए थे कि ये मैं बेद भी ना कर रही हूँ, वो सेंस थी मेरी, पर शिव जी जी को नाराज़ कर बैठी। खैर, वो जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, बहुत बुरे दिन आ गए। तो उसके बाद एंड जब बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना था, तब गुरु जी ने एंट्री ले ली, और गुरु जी ने मुझे बोला मेरे सपने में आके कि मेरा नाम शिवेत काली मेरी पत्नी है, आज मैं तेनु कुछ देन आया है। तो ऐसे कह के उन्होंने मेरे हाथों में कुछ दे रहे हैं, और एक हाथ से उन्होंने मेरी आंखों में हाथ रख लिया। जैसे ही मैं उनसे कुछ पकड़ती लेने के लिए, इतने में काली माता जी प्रकट हो जाते हैं, और मैं काली माता जी को देख के डर गई हूँ, और मैं भाग रही हूँ, और माता रानी पीछे आ रहे हैं। इतना सा सपना देखा, और मैं सपने में को देख के बहुत डर गई कि ये अंकल कौन थे, ये तो किसी एंगल से शिवजी जी नहीं लगते, क्योंकि हमें शिवजी जी को देखने की आदत जो है वो दूसरी तरह से दिखते हैं। तो मैंने बोला ये आदमी पता नहीं कौन था जो मेरे सपने में आया। मुझे सपने का ज़्यादा अच्छे से मीनिंग समझ में नहीं आया, तो मैंने यही अनुमान लगाया कि चलो लाइफ में कभी ऐसा आदमी दिखेगा तो इसके आसपास भी नहीं भटकना, क्योंकि मुझे काली माता जिस हिसाब से मेरे पीछे आ रही थी, मैं डर गई थी। खैर, कुछ दिन बाद मैं एक वेबसाइट चेक कर रही थी, उस वेबसाइट पे गुरुजी का स्वरूप निकल आया। मीन्स मुझे लगा अच्छा ये आदमी मुझे यहाँ मिलेगा। मैं फिर से बहुत घबरा के, और मैंने लैपटॉप को बड़ी मीन्स धाड़ करके बंद किया,
और 5-10 मिनट बाद फिर हम हिम्मत करके वापसी लैपटॉप ओपन किया और वेबसाइट पे गए तो देखा किसी और की फ़ोटो थी। तो मैंने बोला यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मीन्स अभी तो वो आदमी दिख रहे थे और अभी ये क्या हो गया। तो मैंने कहा यार अगर किसी को बोलूँगी तो कोई बोलेगा कि ये पागल हो गई है। खैर कुछ दिन बाद मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके घर में गई तो उनके घर में गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के चरण लगे हुए थे। तो मैंने आंटी जी को बोला, मैंने कहा आंटी ऐसा सेम आदमी मेरे सपने में आया और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला मेरा नाम शिव है और सारी स्टोरी सुनाई। तो आंटी जी ने मुझे बताया कि ये शिव ही हैं, इनका सारा मीन्स छतरपुर मंदिर जाओ, ये पूरी डिटेल आंटी जी ने बताई। फिर भी काली माता जी का बहुत डर था, तो मैंने ये सोच रखा था लाइफ में कभी छतरपुर नहीं जाऊंगी कि अगर मैं उधर गई तो काली माता जी मुझे मार रहे हैं। तो लेकिन फिर भी 6 महीने लग गए, गुरुजी ने मुझे चुन लिया था, गुरुजी ने जितने भी एक जब चुन लिया तो बीच में जितने भी मेरे कर्मास या हर्डल्स आ रहे हैं वो हटने में 6 महीने लगे, क्योंकि और संगत का पता लगता रहा, चमत्कार पता लगते रहे, यूट्यूब सर्च कर मारा, सारे सबके मैंने सत्संग सुन लिए जो भी गुरुजी के टाइम की संगत थी, और विश्वास बढ़ गया। और विश्वास फिर एक टाइम आया 100% हो गया कि मुझे आज बड़े मंदिर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रास्ते में काली माता जी मुझे कुछ भी कर दे, मैं जाऊंगी। और संगत जी मैं अपने घर से निकल पड़ी बाय मेट्रो, मेट्रो से छतरपुर, छतरपुर से जैसे ही वो जो पुल आता है, जब मैं पूरा मेट्रो कवर कर लिया पार होके निकल गई तो मुझे लगा अच्छा है। मन में डर था कि शायद मेट्रो में कोई एक्सीडेंट होगा या रोड पे कुछ एक्सीडेंट होगा। तो जब सब कुछ क्लियर हो गया, आ गई पुल तक आ गई, तो मैंने कहा चलो शुक्र है कुछ बीच में प्रॉब्लम नहीं आई, मैं दैट मीन्स रास्ता क्लियर है, माता रानी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, सब ठीक है। तो मैं वहाँ तक पहुँच गई। लेकिन पुल पर संगत जी आपने नकली हनुमान जी भी बने हुए देखे होंगे, या मैं ये बोलूँगी सावन में हम नकली शिव जी जी भी बने हुए कहीं ना कहीं देख लेते हैं, लेकिन आपने कभी माता रानी नहीं देखी होगी नकली, वो भी काली माता। वो लोहे की पुल जो मैंने क्रॉस करना था छतरपुर से सीढ़ियाँ उतर के जाते, इन बिटवीन बीच में एक फीमेल खड़ी थी, उनके काफ़ी लंबे बाल थे, उन्होंने काले रंग का चोला पहन रखा था, उनके हाथ में लोहे का खप्पर था, और मुझे लगा बस ये मुझे देख रही हैं और ये मुझे ही दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही। और आज मैं गई इनके पास जाते, अब मेरी मौत आ गई समझो, बट उस टाइम पे गुरुजी का मंत्र नहीं पता था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते करते मैंने उन्हें क्रॉस किया और सब कुछ ठीक रहा, जहन में जान आई। तो मुझे लगा शायद सब कुछ मैंने पार कर लिया, सब कुछ ठीक है, अब ओके रिपोर्ट है। ये मेरे मन का डर था, एक्चुअल में मुझे अब आके क्लियरेंस मिली है गुरुजी से कि मेरे मन का ही डर था, माता रानी तो मुझे ब्लेस करने आ रही थी और मेरे साथ थी। अब मुझे आगे वो बस रूप देख के मैं डर गई थी स्टार्टिंग में, फिर जो गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा लाइफ का जो पहला सत्संग मेरे घर में हुआ, वो ऐसा सत्संग था कि आज तक ऐसा सत्संग हो ही नहीं पाया, क्योंकि उस सत्संग में इतनी फ्रेग्रेंस थी मेरे घर में, जो जल प्रसाद गुरुजी के लिए रखा था उसमें 7 तरह के रंग आ गए थे और वो पीना ही माहौल था, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस थी, मेरे घर के नॉर्मल बर्तनों में से खुशबू आने लग गई थी। चाय प्रसाद रखा था उसमें भी सिप था, बिस्किट भी टूटा हुआ था, तो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स था मेरा वो फर्स्ट सत्संग लाइफ का। और जब रात को गुरुजी की गद्दी के साथ ही मैं सो गई और गुरुजी की तरफ फेस करके साइड वाला पोस्चर में मैं सो रही थी, तो मेरा हाथ रात को ऊपर सीधा से खड़ा हुआ था और मुझे मैंने मेरी नींद खुली कि अरे मेरा हाथ कैसे ऊपर सीधा खड़ा हो गया। तो मैंने पूरी पावर से नीचा करने चाहा पर मेरा हाथ नीचे नहीं मैं ला सकी। तो मैंने सुबह फिर संगत से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने तेरा हाथ फड़े आया है, कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में है अब गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ लिया, इसका मतलब यही है। तो बात सच्ची है, गुरुजी ने आज तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे कई चीज़ों से निकालते हुए लेके आए हैं। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है, लिमिट से भी ज़्यादा, तो मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत पापी हूँ, शायद मैं रावण होंगी, शायद मैं औरंगज़ेब होंगी, शायद मैं और भी कई ऐसे, मुझे ऐसा नेगेटिव ही फील होता था कि मैं अच्छा खासा बहुत पापी इंसान हूँ। बट गुरुजी ने जब लॉकडाउन वाला जो सत्संग हुआ मेरे से, तब उस टाइम पे मुझे उन्होंने बोला कि मैं तेरा इम्तिहान लिता, मैं आज तेरे तो बहुत खुश है, ऐसे करके बोले, मैं तेरे तो आज बहुत खुश हूँ,
तू मेरे सारे टेस्टा च पास हो गई है, ते आज तेरे नाल मेरी तार नाल तार जुड़ गई है। ते और उनकी थर्ड आई से एक चमक, एक रोशन निकली और कुछ नेगेटिव एनर्जी थी वो भस्म हो गई और जो तार से तार जुड़ गई है, ये सारी बातें मैंने सुनी थी और वो एक्चुअल में होती गई मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद एक टाइम आया, मैं थोड़ा बेड रेस्ट पे थी ड्यू टू कुछ पर्सनल रीज़न थे, एक्चुअली थे कुछ रीज़न। तो वैलेंटाइन डे आया तो मेरा मन मन में आया कि गुरुजी इंसान कभी प्यार नहीं दे सकता, भगवान ही प्यार देता है, तो ये वैलेंटाइन डे मेरा आपके साथ रहेगा। तो मैं घर से निकल रही हूँ, बस वीकनेस बहुत ज़्यादा थी कि मैं किचन तक भी खाना बनाने नहीं खड़ी हो पाती थी, लेग्स में पेन होने लग जाती थी। मैंने कहा गुरुजी तुसी संभाल लियो, मैं करो निकल रही हूँ, आज मैंने तारे दर्शन करने ही करने हैं। बाय मेट्रो मैं निकली गुरुजी का मंत्र जाप करते करते और अंदर से आवाज़ आ रही है, आज मैं तेरे ना कोई चमत्कार करना, आज देखी की होता है, तेरे ना चमत्कार होता है। तो पूरे रास्ते मन में ये बात आती रही और मैं मंदिर तक पहुंची, मंदिर में दर्शन किए, बाहर भी आ गई। मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हुआ गुरुजी चमत्कार। तो फिर मुझे लगा यार मैं ही अंदर से बोल रही होंगी, कुछ चमत्कार तो हुआ नहीं। इतने में मुझे संगत दिखी एक, मैंने कहा मुझे मेट्रो तक आप छोड़ देंगे? तो उन्होंने बोला हाँ जी आंटी आप बैठ जाओ। तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गई, तो मैंने बोला मुझे हौस खास तक आप मेट्रो स्टेशन तक उतार देना, वो नोएडा डायरेक्ट मुझे ले जाएगी। तो उन्होंने बातें करते करते आगे का टर्न ले लिया, लेकिन फिर भी वो घुमा के मेरे लिए स्पेशल मुझे छोड़ रहे थे। तो मैंने बहुत मना किया, अंकल प्लीज़ आप मेरे लिए परेशान मत हो, इतना ट्रैफिक है, यू टर्न मत लो, मुझे कहीं भी उतार दो मैं चली जाऊँगी। बट उन्होंने स्पेशल मुझे जब छोड़ा, जब ड्रॉप किया, जब मैं उतर गई, तब उन्होंने मुझे बोला कहना आंटी आज जब हम घर से मैं निकल रहा था तो मुझे अंदर से टेलीपैथी से गुरुजी ने बोला आज मेरी एक धीए आ रही है उन्हें तू छड़ना है, तो ये गुरुजी का हुक्म था आपको छोड़ना, इसलिए मैंने आउट ऑफ द वे जाके आपको स्पेशल छोड़ा, हम तो आपको घर भी छोड़ के आते। तो मैं सुनते ही मेरी आंखों से ऐसे आंसू टप टप निकले कि वाकई वो गुरुजी बोल रहे थे और गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी आपको बढ़कर प्यार करते हैं। और ऐसे ही एक बार मैं गुरुजी से थोड़ा सा अपसेट थी, मैंने कहा आज कुछ स्पेशल करके दिखाओ मेरे वास्ते, तो मैं मनना। तो मैं बड़े मंदिर आई, मेरी एक मॉम बनी हुई है, वैसे मेरे मॉम डैड नहीं है, तो मेरी एक मॉम बनी हुई है उनके साथ आई, तो वो काफ़ी हेल्दी हैं, तो मैं शटल सेवा के साथ पास खड़ी थी उनका हाथ पकड़ के, और मन में उदासी थी कि आज स्पेशल कर दो कुछ, अगर मैं इतना प्यार कर दो तो। तो इतने में गाड़ी आती है और गाड़ी में से एक छोटी बच्ची ने विंडो नीचे करके मेरी तरफ इशारा किया, बोले इधर आना। मैं गई उनके पास तो उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप दे दिया जो कि चांदी का बना हुआ था, और वहाँ पे सब जो खड़े होते देख के सब हैरान हो गए, और मुझे वो ब्लेसिंग्स बहुत स्पेशल लगी क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था और वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, आज भी मेरे घर में है। तो मुझे लगा कि शायद एक पड़ाव मैंने शायद पार कर लिया। तो मेरे मन में था गुरुजी मैं मिट्टी सी, मिट्टी तो तुसी मैनू चांदी बनाया, चांदी तो सोना कदों बनाओगे? तो वो गुरु नानक देव जी जब मेरे घर में सोने के चोले में आए हैं, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे इस लायक बना दिया, मेरे कर्मों को इस लेवल में उठा दिया कि अब लेवल अप कर दिया उन्होंने मेरा। तो संगत जी अभी थोड़े दिन पहले मैं गुरु पूर्णिमा में दुबई, मेरा कोई चांस कोई सोच में भी नहीं था कि मैं जाऊंगी, तो मेरे एक बहुत अच्छे मेरे ब्रदर बने हुए हैं वो दुबई में प्रिंस रॉयल प्रिंस जो हैं मकतून उनके साथ काम करते हैं। तो उन्होंने बस गुरुजी के बर्थडे की कुछ वीडियोस मांगी, वो मेरे साथ गुरुजी के ग्रुप में थे मेरे वाले में, तो मैंने उनको दी और उन्होंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया, वो पहले भी उन्होंने लेके लास्ट बर्थडे पे भी लगाया और उन लेकिन जब जिस चीज़ का टाइम आता है शायद इस बार लगाते ही उनको हर उनके कज़न्स का उनके फ्रेंड्स का जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी लिखा हुआ आ गया। तो बड़ा शॉक्ड हो गई कि भाई मेरी कज़न भी मानती है गुरुजी को, अच्छा फलाना फ्रेंड भी मानता है, उनका ये फ्रेंड भी मानता है, मतलब कि 15-20-25 लोगों ने उनको जय गुरुजी लिख दिया। तो उनको अभी तक किसी ने भी फैमिली फ्रेंड्स में से किसी ने नहीं बताया था, सिर्फ मैंने ही उनको 5-7 सालों से जानती हूँ, तब से मैंने 3-4 सालों से तो मेरे ग्रुप में ही ऐड है, वो काफ़ी रिलीजियस हैं, तो उन्होंने मुझे मैंने बोला ग्रुप में ऐड कर दूँ गुरुजी के, तो उन्होंने बोला हाँ जी कर दो आप। तो
जो भी गुरुजी के बारे में उनको नॉलेज मिली तो मैं ही देती थी कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ऐसे, बीच बीच में कभी रेयरली हमारी बात हो जाती थी। तो इस बात से एकदम से ना वो शॉक्ड हो गए। तो वो बोले कि जब उन्होंने अपनी कज़न से बात की कि अच्छा दुबई में, फिर उनको पता चला 30 तारीख का सत्संग है, तो उन्होंने बोला मीरा आप आ जाओ। मैंने बोला नहीं अभी तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, फिर मैं आती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप आ जाओ। उन्होंने बोला अपना पासपोर्ट भेजो। उन्होंने मुझे फटाफट से 2 घंटे में वीज़ा दिया, टिकट दिया और मुझे बुला लिया। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतना बड़ा आदमी, मीन्स मेरी क्या कांटेक्ट हम जैसों के बनेंगे। गुरुजी आपको रिस्पेक्ट दिलाते हैं, गुरुजी आपको लाड, ये गुरुजी के लाड थे जो उनके थ्रू मुझे मिल रहे थे। वो मुझे इतने बड़े बिजनेसमैन जिनके बॉलीवुड से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके साथ रहते, वो मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए और उन बेंटले गाड़ी से स्पेशल खुद उतर के मुझे रिसीव करने आए। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बिठाया और मेरी ट्रॉली लेके चले, सिर्फ गुरुजी की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिली। और फिर वो मुझे स्पेशल यहाँ का ये खाओ, ये यहाँ का ये खाइए, ये मशहूर है, ये मशहूर है, ऐसे करते हम घर चले। घर में भी मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ में ऐसे खुश थे, ऐसे खुश थे कि मैं जैसे कोई, पता नहीं मैं कितने कितनी स्पेशल कोई उनके रिलेटिव हूँ। और कोइंसिडेंस देखिए, इतने में उनको कोई एक लेडी इंडिया टीवी में कोई चैनल में एस्ट्रोलॉजी का कुछ उनका प्रोग्राम आता है आधे घंटे का, वो उनकी लाइफ में हफ्ता पहले उनके पास आती है और वो बोलती हैं, प्रिडिक्शन करती हैं कि कोई एम नाम से तुम्हारी लाइफ में आने वाला है और उसकी वाइब्रेशन से आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। तो एम से मीरा नाम मुझे गुरुजी ने ही दिया था सपने में आके, तो मीरा बाई नेम मुझे मीरा से वो जानते थे। तो वैसे भी मेरा नाम जो सिक्खी धर्म में मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया वो मनप्रीत कौर है, वो भी एम से था। तो उन्होंने बोला मीरा ऐसे ऐसे करके, अरे हाँ तुम्हें, तुम आ जाओ ऐसे ऐसे करके मुझे बोला भी है। तो ये भी मेरे लिए बड़ी बड़ी शॉकिंग बात थी कि गुरुजी देखो कैसे मेरे लिए एक माहौल बना रहे हैं, मुझे इज्जत और प्यार दिलाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाना था बस। और उसके बाद ये भी बड़ा सरप्राइजिंग हुआ, जैसे मैं वहाँ गई तो अच्छा वो एक और सत्संग आ गया, मीन्स 2 दिन बाद ही एक सत्संग था गुरु पूर्णिमा का। तो गुरु पूर्णिमा का सत्संग मैंने अटेंड किया और वहाँ पे मैंने गुरु नानक देव जी वाला ही सत्संग अपना सुनाया और मीरा नाम उन्होंने मुझे दिया, वो सुनाया। और उसके 4 दिन में मैं फिर वापसी आ गई और उन्होंने मुझे इतना रिगार्ड किया कि मीरा जब से मैंने तुम्हारी टिकट बुक कराई है मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, मेरे नेचर में चेंजेस आ गए हैं, मैं इतना डाउन टू अर्थ हो गया हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। इतना प्यार मुझे लाइफ में कभी भी कोई भी नहीं दे सकता, ना दे सकेगा, जो गुरुजी ने आज तक मुझे प्यार दिया है। इतने प्यारे प्यारे और भी सत्संग हैं, इन शॉर्ट ले रही हूँ, शुक्राना गुरुजी आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। और गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग है मैं करना चाहती हूँ अगर मुझे परमिशन मिली तो। जय गुरुजी।